नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। यूपी की राजनीति से देश की राजनीति जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में हर पार्टी की अपनी सोच और विचारधारा है और इस सोच और विचारधारा पर ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से विगत कुछ वर्षों में यूपी के चुनाव में पार्टियों ने अपनी रणनीति बदली है और बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, उसने सभी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पार्टियां असमंजस में हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए। यूपी में भाजपा और समाजवादी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव 2017 में करारी हार के बाद भी सीख लेने का काम नहीं किया और पर्दे के पीछे की राजनीति से ही अपनी रोटी सेकने में लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे में सत्ता से दूरी बना चुकी कांग्रेस फिर से यूपी में कमल खिलने से रोक पाएगी या नहीं। देखिए, इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट, पर्दे के पीछे राजनीति के मायने क्या है। विधानसभा चुनाव 2017 हार के बाद भी राजनीतिक पार्टियां क्यों हैं पर्दे के पीछे? आखिर यूपी में क्यों नहीं दिख रही कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी? उपचुनाव में ये पार्टियां कहां खो गई हैं? क्यों उत्तर प्रदेश में हार के बाद भी एक्टिव मोड में नहीं है ये पार्टियां? इन पार्टियों के बेस वोटर्स किस तरफ जाएंगे? आखिर पर्दे के पीछे की सियासत के मायने क्या? यूपी की सियासत को अलविदा कर चुकी कांग्रेस लगातार हाशिए पर नजर आ रही है। सत्ता की दूरी के साथ साथ ये अपने मूल कार्यकर्ताओं से भी दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2022 सिर्फ 2 सीटों में सिमट गई थी, जबकि बसपा तो सिर्फ खाता खोलकर 1 सीट पर ही कब्जा कर पाई थी। जबकि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को यूपी में चुनाव लड़ने के लिए भेजा और धूम भी मचाई, लेकिन वो हल्ला के बाद ठंडे बास्ते में चली गई और अपना अस्तित्व तक बचाने में कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद भी ये पार्टियां पर्दे के पीछे की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं और हार के बाद भी सीख लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये यूपी में फिर से भाजपा को कमल खिलाने से रोक पाएगी और क्या पार्टी अपनी स्थिति को ये मजबूत कर पाएंगे या नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये यूपी में फिर से भाजपा को कमल खिलाने से रोक पाएंगी और क्या अपनी स्थिति को ये मजबूत कर पाएंगे या नहीं। ऐसे में आपको सुनाते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है भाजपा और विपक्षियों के दावे जो पर्दे के पीछे की राजनीति से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और मुझे लगता है कि जनता ने उनको लगभग नकार दिया और राहुल गांधी के अमेठी में हारने के बाद लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस हाशिए पे जा चुकी है। कुछ चंद नेता हैं जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उसके अलावा कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ताओं से संपर्क कट चुका है, इसलिए कांग्रेस अस्तित्वहीन है, इसलिए आपको चुनाव में नजर नहीं आती। गाँव में चुनाव न लड़ना ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और इसलिए कि नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, हम उसकी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम एक संदेश ये भी दे रहे हैं कि जो 65% जनता जो भाजपा सरकार से महंगाई से बेरोजगारी से परेशान है, वो वोट बटे ना और ये ताकत दिखे और भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आए कि जनता अब बदलाव चाहती है। उपचुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये वहां से निर्देश आया कि कोई भी उपचुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। उपचुनाव लड़ने से जो मान लीजिए 1, 2 या 3 सीट अगर हम जीत भी जाते हैं, उससे हम जनता को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जो दिल्ली में हमने करके दिया है वो हमारा मकसद हल नहीं होता, क्योंकि जनता को अगर हम कह के जाएंगे कि आपको बिजली और पानी दिल्ली के स्तर पे, जो दिल्ली में हम बिजली और पानी मुफ्त दे रहे हैं उसके तरह आपको यहाँ पे भी देंगे, वो हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए उपचुनाव नहीं लड़ेंगे हम। के निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और सभी दल, खास करके भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन्हीं दो बीच लड़ाई में है, क्योंकि पूर्ववर्ती में भी देख के आए हैं लगभग 750 सीटों पे चुनाव होने हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो लेकिन ये सब गायब है। पीठ पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है, जातिगत राजनीति हो रही है,
ये वोट के बंटवारे के लिए हो रहा है, क्योंकि ना तो इनके कहीं प्रवक्ता हैं। तो आपने सुना कि जहां एक तरफ भाजपा को अपनी जीत का पूरा भरोसा है और वो कांग्रेस को फांसी पर मान रही है, वहीं अपनी लगातार हार से भी सीख नहीं ले पा रही विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा पर्दे के पीछे से जीत का भरोसा दिला रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पर्दे के पीछे की सियासत से यूपी में जीत का परचम लहराया जा सकेगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अगर ये पार्टियां अभी भी नहीं सीखी हैं तो इनका राजनीतिक भविष्य और भी खतरे में हो जाएगा और शायद भाजपा के सामने ये अपना अस्तित्व बनाने में असफल रहेंगे, क्योंकि ये ना तो सड़क पर हैं ना ही संसद में। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि ये इनका कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी और अपने नेताओं को खोज रहा है। ऐसे में कैसे होगी सियासत, ये बड़ा सवाल है सामने में है। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों में गिनती की जाने वाली कांग्रेस कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। साफ तौर पर अगर बात करें अपनी सियासी खोई हुई जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस अभी भी ठंडे बस्ते में है। वो सिर्फ राजनीति के नाम पर चाहे उपचुनाव हो या आने वाले चुनाव हो, उसमें उनकी सक्रियता नहीं दिख रही है। भले ही प्रदेश अध्यक्ष खाबरी को बना दिया गया हो, लेकिन एक्टिव मोड पर कांग्रेस नहीं नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात करें अन्य पार्टियों को, तो आम आदमी पार्टी जो कि पिछले चुनाव 2017 में एक्टिव मोड में थी, वो भी कहीं ना कहीं अब सियासत के दौर में पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है। जहां हमने सियासतदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि आने वाले उपचुनाव को छोड़ करके स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस सियासत के वार में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह एक्टिव रूप में ये लोग सामने आ पाएंगे, चाहे कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी एक्टिवनेस क्या लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएगी या नहीं। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज़, लखनऊ।